स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द व्यंजन में। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ और आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन कोफ्ता करी। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी कोफ्ते की रेसिपी आपसे शेयर की हैं, तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और सोयाबीन में हाई प्रोटीन पाया जाता है तो बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सोयाबीन कोफ्ता करी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन कोफ्ता करी। तो सोयाबीन बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर होता है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि बच्चे नहीं खाते हैं सोया बड़ी। तो आप सोया बड़ी को अगर नॉर्मल सीधे से ना बना करके आप अलग अलग तरह से बनाइए, बच्चे बहुत मन से खाते हैं। तो आज मैं इसका कोफ्ता बनाने जा रही हूँ। तो सोया बड़ी मैंने लिया यहाँ पर एक कटोरी, इसे भिगो दिया था, देखिए तो अच्छे से भीग गया था ये, देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी जो है निकाल देंगे और अच्छे से धुल लेंगे। तो देखिए, गैस पर मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए, तो पानी अच्छे से बॉयल आ गया है और मैंने ये सोया बड़ी को निचोड़ लिया था। अब इसमें हम डाल देंगे इसे उबलने के लिए, तो एक उबाल अच्छे से आ जाएगा, बस हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक उबाल आ गया है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और दो मिनट इसे इसी गर्म पानी में रखा रहने देंगे और फिर निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे हम। तो जब तक हमारी सोया बड़ी, जो सोया चंक हमने उबाल के रखी हैं, तैयार होती है, तब तक के हम क्या करते हैं, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर रफली चॉप कर लिए हैं और 3 ये प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो बस अब इसे हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। और 1/2 इंच 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा है और 1 गांठ लहसुन है, इसे अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो देखिए, ये सोयाबीन हमारा जो सोया चंक से अच्छे से ये देखिए पक भी गया है और अच्छे से देखिए फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया ये देखिए। तो अब चलिए इसका हम कीमा बना लेते हैं। तो कीमा कहने का मतलब ये है कि इसे हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। उससे पहले हम इसका पानी अच्छे से निचोड़ देंगे, ऐसे इसका सारा पानी हम निचोड़ लेंगे। तो देखिए, पानी अच्छे से निचोड़ दिया है। इस तरह से छोटे जार में पीसेंगे, आप चाहें तो बड़े में भी पीस सकते हैं, लेकिन छोटे में पीसने से क्या होता है कि साबुत जो सोया चंक हमारा नहीं रह जाता है, अच्छे से पीस जाता है। तो साथ में डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च, 1 गांठ के करीब लहसुन और ये 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने सोया चंक पीस लिए हैं। तो इतना पीसना जरूरी है क्योंकि अगर इतना आप नहीं पीसेंगे तो जब दरदरा होगा, तो जब भी आप इसके कोफ्ते बनाएंगे ना, तो फट जाएंगे, तेल में फैल जाएंगे। तो इस तरह से पीसना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसमें डालेंगे करीब अपने ये जो जितने सोया चंक हमने पीसे हैं उसी हिसाब से करीब 3-4 चम्मच इसमें बेसन। तो बेसन जरूरी है, अच्छी बाइंडिंग आती है। तो बेसन की जगह पर आप जो है जो उड़द दाल का पाउडर आता है वो भी डाल सकते हैं, चावल का आटा होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितना आपने ये चंक का बेस बनाया है उस हिसाब से आप इसमें बेसन मिला सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि ग्रेवी में भी हम डालेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर हमें लगता है कि बेसन थोड़ा कम है तो हम और मेजर इसमें मिला सकते हैं। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेंगे। जिस हिसाब से आप कोफ्ते बनाते हैं अपने घर में, साइज अपने हिसाब से रख लीजिए। इस तरह से हम देखिए इतने इतने बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से सारे कोफ्ते हमने बना लिए। अब चलिए इन्हें तल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तेल मैंने चढ़ा दिया था गैस पर। अब हम धीरे धीरे करके सारे जो कोफ्ते अपने डाल देंगे और इन्हें हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो गैस को अभी मैंने धीमा कर रखा है और बाद में हम थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, आँच को मैंने अब बढ़ा दिया थोड़ा सा और इसे चम्मच के सहारे पहले करेंगे तो उलट पलट के हम अच्छे से इन्हें सेक लेंगे। तो देखिए, इस तरह से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसे आराम से धीरे धीरे देखिए इस तरह से तल गए हैं, निकाल लेते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स देखिए, तेल अभी इसमें ज़्यादा है तो इसी में हम बनाएंगे ग्रेवी। तो तेल को थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। तो तेल गर्म है और इसमें हम डालेंगे 1-2 टुकड़े दालचीनी के, 2-3 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 छोटे तेजपत्ते और अजवाइन। तो अजवाइन विशेष तौर से ज़रूर डालिएगा क्योंकि अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें जीरे से छोंकिए, तड़का लगाइए तो उनमें टेस्ट आता है। कुछ में ये होता है कि अजवाइन से डालिए, कुछ का मेथी से, कुछ का सौंफ से, और कुछ हर सब्जी का अपना अलग अलग एक होता है जिससे टेस्ट उसका बढ़िया आता है। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा। तो अब ये हम डालेंगे जो हमने टमाटर और प्याज पीस के रखा था, साथ में डाल देंगे दोनों को। तो बस इसे तेज करके हम पकाएंगे अच्छे से। देखिए, प्याज और टमाटर अच्छे से पकने लगा है और तेल भी छोड़ने लगा है। तो अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हम डालेंगे 1 चम्मच पीसी हुई धनिया, 1 चम्मच के करीब नमक, ये आपने टेस्ट के हिसाब से डालिए।
एक चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती है, तीखी लाल मिर्च, एक चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और लगभग एक चम्मच ये गरम मसाला, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग मैं किसी भी सब्जी में यूज़ करती हूँ, हर सब्जी में करती हूँ, और आपकी इच्छा है अगर डालने का मन है तो डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। टेस्टी तो वैसे भी बनती है, बट मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ी हींग भी डाली है। तो बस मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी। बस पानी हमने डाल दिया है और इसमें हम करीब करीब 5 मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गया है इसे पकते हुए अच्छे से। तो अपने कोफ्ते हम इसमें अब डाल देंगे, गैस को धीमा कर देंगे इस समय, क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, और इनको डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक उबाल आ जाए उसके बाद गैस को बंद कर देना है। तो देखिए ग्रेवी में हमने डाल दिए हैं अपने कोफ्ते, तो बस एक उबाल आ जाएगा हम इन्हें बंद कर देंगे, और उसके बाद 2 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे ताकि जो भी ग्रेवी हमारी है वो कोफ्तों के अंदर अच्छे से चली जाए। और पकाना नहीं है, खास बात ध्यान दीजिएगा, पकाना नहीं है। अगर आप पकाएंगे तो ये कोफ्ते जो हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये गल जाएंगे। और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे ये सोयाबीन के कोफ्ते बनके तैयार हैं। और हर किसी का अपना तरीका होता है बनाने का, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए, मैं आपको एक कट करके भी दिखाऊंगी, और इतने सॉफ्ट बनते हैं, ये देखिए इतने सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही टेस्टी तो होते ही हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार बनाइएगा कोफ्ते। फ्रेंड्स, इस तरह से बनाइए आप भी सोयाबीन के कोफ्ते, यकीन मानिए कि बच्चा बूढ़ा हर कोई आपसे मांग मांग के खाएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।